नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार में हो रहे एमएलसी चुनाव के दौरान सिवान जिले की अगर हम बात करें तो उस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान के काफिले पर AK-47 से हमला किया गया था, जिसके बाद कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। खुद रईस खान ने ये बयान देते हुए कहा कि उनके काफिले पर जो हमला है वो दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओशामा की तरफ से करवाया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ चुका है। बता दें कि रईस खान पर जिन लोगों ने हमला किया था उनमें से एक शख्स की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है, और इस शख्स ने ये बताया है कि जो हमला रईस खान पर हुआ है उसमें ओसामा का हाथ कहीं से भी नहीं है। जहां बता दें कि उस वक्त जिस दौरान सिवान जिले में ये वारदात देखने को मिली थी, जब रात के अंधेरे में रईस खान के काफिले पर हमला किया गया था, ठीक इसके बाद FIR दर्ज करवाते हुए रईस खान ने 8 लोगों का नाम उन्होंने इस FIR में दर्ज करवाया, जिसमें ओशामा का भी नाम शामिल था। लेकिन अब एक नया मोड़ इस पूरे मामले में आ चुका है, जिसमें जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसी ने ये बयान दिया है कि ओसामा का इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में और क्या कुछ ताजा जानकारी इस पूरे मामले से निकल कर सामने आ रही है, क्या कुछ कहना है उस व्यक्ति का, किस तरह से उसने ओसामा को लेकर अपनी बातें सामने रखी है, और रईस खान पर जो हमला AK-47 से किया गया, जिस तरह से उनके काफिले पर यह हमला हुआ, इसको लेकर और क्या कुछ ताजा जानकारी सामने आ रही है, इसकी पूरी अपडेट आपको देते हैं। बता दें कि बिहार में बीते दिनों एमएलसी चुनाव के दौरान सिवान के निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान के काफिले पर AK-47 से हुए हमले के मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है। बताया गया है कि गिरफ्तार शख्स हमलावरों में शामिल था। उक्त गिरफ्तारी गोपालगंज जिले के मांझा थाना क्षेत्र से हुई है। गिरफ्तारी की पुष्टि खुद सिवान SP शैलेश कुमार ने की है। बताया गया है कि सिवान पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि रईस खान पर हुए हमले का एक आरोपी, जिसका नाम तरबेज आलम बताया गया है, वह गोपालगंज के मांझा थाना क्षेत्र के कोइनी के पास छिपा हुआ है, जिसके बाद गोपालगंज पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तरबेज ने पुलिस को इस घटना की कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। हालांकि तरबेज ने पुलिस के समक्ष दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का नाम नहीं लिया, जो कि पूर्व सांसद के परिवार के लिए बड़ी राहत की खबर है। गौरतलब हो कि 4 अप्रैल को रईस खान के काफिले पर AK-47 से हुई फायरिंग में एक की मौत और 4 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद रईस खान ने ओसामा साहब सहित 8 लोगों पर मामला दर्ज कराया था, जिसमें ओसामा साहब पर मुख्य साजिशकर्ता का आरोप लगा था। यह घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सिवान सिसवन मुख्य मार्ग महुवल के पास हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद इसने कई महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस के सामने रखी है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले उस व्यक्ति ने ये बताया है कि इस पूरे घटनाक्रम में ओसामा साहब का हाथ कहीं से भी नहीं है, जो कि ओसामा के लिए भी और उनके परिवार के लिए एक राहत की खबर है। लगातार इस मामले में जो है नई नई बातें सामने आ रही थी, खास करके रईस खान का खुद ये कहना था कि पुरानी रंजिशों के तहत मुझसे बदला लिया गया है, और यही वजह है कि निर्दलीय प्रत्याशी जिस तरह से मैं खड़ा हुआ MLC चुनाव में मैं सामने आया, ऐसे में मेरी बढ़ते हुए पद को देखते हुए कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद मेरे काफिले पर इस तरह से हमला करवाया गया, जिसमें आरोप सीधे सीधे ओसामा साहब पर लगाया गया था। लेकिन जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसका साफ तौर से कहना है कि में ओसामा साहब का हाथ कहीं से नहीं है। हालांकि आगे और क्या कुछ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है, बाद में जब जांच पड़ताल होती है तो क्या कुछ सच्चाई उस वक्त सामने आती है, ये तमाम बातें देखनी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन इस वक्त जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसने साफ साफ ये बताया है कि इस पूरे साजिश में ओसामा का हाथ कहीं से भी शामिल नहीं है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।